बर्ड फ्लू के इतने बड़े शोर शराबे के बाद दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मंडी खोलने के आदेश दिए हैं। चूंकि पोल्ट्री बाजार से लिए गए नमूनों का टेस्ट नेगेटिव आया है, पर सवाल है कि देश में इतने बड़े पैमाने पर आखिर मुर्गे और मुर्गियां मरे कैसे। एक अनुमान के अनुसार हरियाणा के हिसार से लगे बरवाला मौली राय पुरानी पोल्ट्री बेल्ट में डेढ़ महीने के अंदर 40 लाख से ज्यादा मुर्गे मुर्गियों की मौत हो चुकी है, जिसका कारण एविएशन इन्फ्लुएंजा बताया जा रहा है। मुर्गी पालन उद्योग से जुड़े एक विशेषज्ञ बताते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर मुर्गियों की मौत की असली वजह उनका गलत वैक्सीनेशन हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर यह वैक्सीनेशन काफी खर्चीली होती है। अमूमन 10,000 मुर्गे मुर्गियों के वैक्सीनेशन पर कोई 6.5 लाख रुपयों का खर्चा आता है। इन्हें 8 तरीके की अलग अलग वैक्सीन दी जाती है। सूत्रों की माने तो मुर्गी पालन उद्योग से जुड़े लोगों ने कम लागत के चक्कर में चीन से स्मगल वैक्सीन औने पौने दामों पर खरीद ली, पर मुर्गियों में इनके असर बेनतीजा रहे। वही बड़े पोल्ट्री फार्म मालिकों ने बड़ी मात्रा में भारतीय वैक्सीन को पहले से होल्ड कर रखा था, जिससे छोटे फार्म मालिकों में वैक्सीन की कमी हो गई और उन्होंने घटिया क्वालिटी के चीनी वैक्सीन खरीद लिए। क्योंकि जहां भारतीय वैक्सीन की कीमत प्रति वैक्सीन 300 से 200 रुपए के बीच होती है, वहीं चीनी वैक्सीन इससे 1/4 से भी कम दाम पर मिल जाती है। भारत में औसतन रोज 20 करोड़ अंडों की डिमांड है, जाड़ों में ये मांग बढ़कर लगभग 28 करोड़ हो जाती है। अकेले बरवाला क्षेत्र रोजाना 1,20,00,000 अंडों का उत्पादन करता है और यहाँ से यूपी बिहार और बंगाल में अंडों की सप्लाई होती है, पर पिछले 2 दिसंबर के बाद इस क्षेत्र में अंडों का उत्पादन घटकर आधा से भी कम रह गया है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।